रीगा में ये डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल कमेटी और भारत सरकार की टोबैको प्रिवेंशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से टोबैको कंट्रोल और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए बच्चों को, युवाओं को भविष्य में होने वाले तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम और खतरों से बचाव के बारे में काफ़ी जानकारी दिया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग ये कार्यक्रम था और कैसे उसको रोका जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में चास नगर निगम और जिला से और काफ़ी सामाजिक संगठनों से भी लोगों ने भाग लिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्यक्रम रहा। लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी लिया और ये तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में लोगों ने जानने के लिए काफ़ी प्रयास किया और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते, तंबाकू का बिक्री नहीं कर सकता है, न भंडारण कर सकता है। और चास नगर निगम की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से इन्फोर्समेंट टीम का गठन किया गया है जो कि रेगुलर बेसिस पर इन दुकानों पर छापामारी करेगी और जो कोटपा और अन्य एक्ट के वायोलेशन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना किया जाएगा और ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये जो भी है कानूनी प्रावधान है, कोटपा एक्ट का उल्लंघन है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जो भी है जुर्माना भी उसका भी प्रावधान है और जेल भेजने का भी प्रावधान है।